जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा जहां लगातार चौथा चुनाव जीतकर इतिहास रचने के सपने देख रही है, तो कांग्रेस वनवास की अवधि पूरी कर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। लेकिन शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ विधानसभा में आदिवासी मूल निवासी लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी अनूप सिंह टेकाम का जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। यहां के आदिवासी मूल निवासियों ने कांग्रेस और भाजपा से तंग आकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव निशान स्कूल बैग को पसंद किया है। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क की यह विशेष खबर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ का क्षेत्रफल 1764 वर्ग किलोमीटर है। समूचे पुष्पराजगढ़ में 60% आदिवासी, शेष 40% अन्य वर्ग के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में आदिवासियों की बाहुल्यता होने के कारण यह अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित माना जाता है। सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में हैट्रिक लगाने वाली भाजपा पुष्पराजगढ़ के आदिवासियों का दिल जीत पाई है? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस और भाजपा से तंग आदिवासी मूल निवासी बहुजनों ने पीपीआई के चुनाव चिन्ह स्कूल बैग को पसंद किया है, जिसके प्रत्याशी अनूप सिंह टेकाम है। आज तक पुष्पराजगढ़ से जितने भी विधायक बने, विधायक बनने के बाद दोबारा कभी लोगों की समस्या जानने नहीं आए। बहुत से गांव वासियों ने आपस में सलाह करके अनूप सिंह टेकाम, जो कि गांव सरफा पोस्ट खमरौध जिला अनूपपुर के स्नातक पास युवा है, इन्हें प्रत्याशी के रूप में चुना है। हर गांव और टोला टोला में अनूप सिंह का स्वागत हो रहा है। कांग्रेस और भाजपा के जितने भी विधायक रहे, उन्होंने केवल राजेंद्र ग्राम का विकास किया, बाकी पूरा पुष्पराजगढ़ क्षेत्र विकास की बाट जो रहा है। अनूप सिंह टेकाम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी है तथा संविधान के अनुसार समान विकास करने के दावा करते जन जन तक रूबरू हो रहे हैं। उनके सहयोगी कमलेश धुर्वे, किशन सिंह झारिया, गणेश सिंह, गजेंद्र सिंह, सुखदयाल सिंह प्रस्ते, गणेश सिंह मरावी, फूल सिंह मरावी, जितेंद्र सिंह धुर्वे, मनोज कुमार आदि युवा कार्यकर्ताओं ने चुनाव की कमाल संभाल रखी है। साथ ही इस चुनाव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संधीर कुमार बौद्ध और गुड़गांव से तेगराम आजाद द्वारा प्रचार प्रसार में सहयोग किया जा रहा है।